झूठ की सूरत से न रोशनी चुराया कर, झूठ की सूरत से न रोशनी चुराया कर, सच की काली रात बिन चांदनी ही आएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों 2D और दूसरा होता है 3D। ये दूसरा होता है क्या 3D। अब जैसे 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई निकालना होता है और इसमें एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना होता है। लेकिन 3D में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी निकालना होता है और इसके साथ साथ इस आपको आयतन भी दी हुई आकृति का निकालना होता है। देखिए इसके अंतर्गत त्रिभुज आता है, फिर जो है वर्ग आता है, आयत आता है, फिर उसके बाद जो है चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है, अर्धवृत्त आते हैं। ये सब टॉपिक जो है 2D के अंतर्गत आते हैं। 3D के अंतर्गत दोस्तों घनाभ आता है, घनाभ घन आता है, बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है। ये सब टॉपिक जो है खोखला गोला आता है, अर्धगोला आता है। ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों 3D के अंतर्गत आते हैं। तो 2D और 3D में अंतर समझ गए। ये 3D जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही शानदार एकदम बेसिक से स्टार्ट करके समाप्त कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 2D चल रहा है दोस्तों। 2D में आपका त्रिभुज समाप्त कर दिए, वर्ग समाप्त कर दिए, आयत समाप्त कर दिए, ये आपका चतुर्भुज चल रहा था। चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सम चतुर्भुज जिसे रोम्बस कहते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, और तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। समझ गए, तीन प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें आपके सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जो दो समाप्त कर दिए हैं, तीसरा बचा है आपका समलंब चतुर्भुज। बहुत ही शानदार यहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, आज का जो टॉपिक है दोस्तों समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेपेजियम। ठीक, ये होता है समलंब चतुर्भुज। ये होता क्या है, इसकी दो भुजाएं समांतर तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं। चतुर्भुज मतलब जिसके चार भुजाएं हों, और समलंब मतलब कि दो भुजाएं समांतर हों और दो भुजाएं असमांतर हों। देखिए कैसे, ये देखिए, ये दोनों समांतर हैं कि नहीं। समांतर मतलब कि इनके बीच का जो गैप है अनंत तक जो है समान रहे। जैसे इनके बीच का गैप 5 सेंटीमीटर है तो अनंत तक चले जाइएगा, चाहे जितनी दूरी वो तब भी जो है इनके बीच की दूरी जो है 5 ही सेंटीमीटर होगी। तो ये दो है, ये दोनों जो है समांतर होते हैं और दो असमांतर होती हैं। ये देखिए असमांतर है, मतलब एक भुजा जो है आपकी इधर जा रही है और ये भुजा जो है आपकी इधर जा रही है, कोई इनके बीच के समांतर नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये L1 है, ये भुजा L1 है, तो ये भुजा जो है L2 होगी। क्यों? क्योंकि ये लंबाई 1 है तो ये लंबाई 2 अलग अलग लंबाई होगी ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे निकालना क्या होता है दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल बताइए। अब परिमाप का अर्थ ही होता है कि जो है चारों भुजाओं का योग कर लीजिए, मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, इन दोनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, तो जो आएगा टोटल वही परिमाप हो जाएगा। चाहे जैसी आकृति हो परिमाप बराबर, एक ही सूत्र याद करिए कि चाहे जैसे 3 भुजा की हो, 4 भुजा की हो, 5 भुजा की हो, चाहे जितनी बड़ी आकृति हो, अगर उसका परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो सभी भुजाओं का योग कर लेते हैं। क्लियर बात। अब देखिए इसका क्षेत्रफल मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल। अब ये देखिए, ऊंचाई तो हमेशा इसमें अगर लेंगे तो लंबावत ली जाती है ऊंचाई, तो ये H कहलाएगी। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं एरिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर
भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, यानी इनके बीच की दूरी, या कह सकते हैं इनके बीच की दूरी। अब दूरी मतलब ये इनके इन दोनों भुजाओं के दो समांतर भुजाओं का योग और तथा इनके बीच की ये दूरी h है ना, इसको गुणनफल कर देंगे तो ये आ जाएगा इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल। जैसे इसको अगर शॉर्ट में लिखे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये और इनका योग कर लेंगे तो L1 प्लस L2 का योग गुणे इनके बीच की दूरी क्या है, h है, तो ये h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसमें यह कहीं आपको ज़्यादा करके निकालने के लिए देता है, क्षेत्रफल बताइए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। कई प्रकार से इसके देते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे हम लोग एक एक करके सभी को समझेंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। बहुत ही शानदार आज के क्वेश्चन हैं, तो आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 46 मीटर तथा 25 मीटर हैं, अन्य दो भुजाएं 20 मीटर व 13 मीटर हों तो उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए ये आपको कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका अगर बेसिक लगाएंगे तो दो पन्ने में लगेगा, अगर इसका जो है हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में लगेगा। कह रहा है कि दो समांतर भुजाएं, तो ये दोनों समांतर हैं, इन दोनों भुजाओं की लंबाई बताया है, एक 46 तो एक 25, तो बताइए इसमें 46 कौन होगी, ये होगी, ये आपकी 46 मीटर होगी, क्यों, क्योंकि ये बड़ी है और ये 25 मीटर, समझ गए। अब देखिए ये यहाँ से पति और दोनों कह रहा है कि दो अन्य भुजाएं जो है 20 मीटर व 13, चाहे जिसको इसको 20 इसको 13 या इसको 20 तो इसको 13 कोई भी मान सकते हैं, इसमें जो है फिक्स नाम नहीं दिया है, मान लेते हैं हम ये 20 और ये 13, चाहे जिसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, ये यहाँ से इसको मिला दे दोस्तों और यहाँ से इसको मिला दे तो ये क्या है, यच है, जो इनके बीच की यहाँ दूरी होगी वही इनके बीच की यहाँ भी दूरी होगी, यानी ये भी यच होगा, बिल्कुल होगा कहेंगे मार साहब। अब देखिए इतनी दूरी अगर ये 25 है तो ये भी इतनी दूरी 25 होगी कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल होगी, ये इतनी 25 होगी, होगी। अब देखिए अब जब इतनी 25 है तो ये टोटल 46 था, तो अभी जो है बची कितनी है भुजाएं, कहेंगे कि 46 में से 25 घटा देंगे तो 1 और ये 2, यानी 21 बची हैं, कितनी बची हैं, 21 बची हैं। अब देखिए ये 21 भुजा बची है तो यहीं पे आपको लगाना है यूजिंग कॉमन सेंस। हम आपको 2D जब से पढ़ा रहे हैं आपको कई क्वेश्चन ऐसे बताएं कि जो यूजिंग कॉमन सेंस पे, क्योंकि उसका विस्तार लगाएंगे उसका बेसिक लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जा रहा है। तो देखिए अब आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये जो लंब गिरी है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, तो ये लंब हो गया, ये इतना आधार हो गया, ये इतना कर्ण हो गया कि नहीं, ये चीज़ समझ रहे हैं। उसी तरह ये आधार हो गया इतना, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आपको एक चीज़ बताना है कि 21 में ऐसे बाँटें कि ऊँचाई जो है बराबर निकले और इन दोनों भुजाओं को बाँट दें। कहेंगे ये कैसे होगा मास्टर, तो ऐसे होगा दोस्तों कि 21 है, हमको समझना है ये 20, ठीक, और ये 13। अब आपको एक ध्यान रखना है कि ये दोनों ऊंचाई जो है बराबर होनी चाहिए, तो 21 को ऐसा कर देते हैं, इसको 16 मान लेते हैं, इसको 5 मान सकते हैं, चाहे इसको आप 16 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। आप कहेंगे मास्टर ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे दोस्तों कि अगर आपको वर्ग पता रहे तो बहुत जानदार ये क्वेश्चन आप लगाएंगे। कहेंगे कैसे, कहेंगे देखिए ये दो, इसका अगर ये ऊंचाई निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, अरे आधार का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर होगा 400 माइनस आधार का होगा 256, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 144,
अंडर रूट 144 किसका होता है? 12 का होता है। तो ये भुजा यहाँ से 12 निकल के आई, तो क्या देखें ये भी ऊंचाई 12 आ रही है। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो क्या होता है इसका स्क्वायर करेंगे 13 का तो 169 आएगा, और माइनस कर्ण में से आधार घटाएंगे ना इसका स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब 169 में से मास्टर निकालेंगे 25 तो आएगा 144। गुरुजी जब यहाँ से 144 आया तो ये किसका है? ये भी आपका 12 है, यानी यहाँ से भी ऊंचाई आपकी 12 आ गई और यहाँ से भी ऊंचाई आपकी 12 आ गई। चाहे इसको आप 5 मानते तब भी 12 आता है, इसको आप 16 मानते तब भी 12 आता है। तो यूजिंग कॉमन सेंस से आप निकाल लिए यहाँ पे कि आपकी ऊंचाई 12 पता चल गई। ऐसा ऊंचाई क्यों निकालें? क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसीलिए ऊंचाई यहाँ पे आप निकाले हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई आपकी आ गई h बराबर 12 सेंटीमीटर और ये भुजा पता चल गई। इतना है क्लियर हुआ ये जो हमने यूजिंग कॉमन सेंस बताया था। तो यहाँ से देखिए अब ऊंचाई एरिया बराबर क्या होता है? ये एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 25 प्लस 46 समांतर भुजा यही है ना, और इनके बीच की दूरी क्या है? 12। तो ये काटेंगे 6 बार में, तो ये जोड़ देंगे 6 5 11 और ये कट जाएगा, अरे 4 2 6 1 7 आ जाएगा, गुणे 6, तो ये 6 कम 6 6 7 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 426 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अगर आपको बेसिक लगाना हो, इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, अगर आपको बेसिक लगाना हो दोस्तों तो क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, इसको हम मिटा दें 16 को और इसको भी मिटा दें। अब देखिए हमने कहा था ये जो है आप 25 लिए थे, अगर यही भुजा आपकी टोटल बची थी इतनी, इन दोनों का योग बचा था 21, तो अगर हम आपको इतना यक्स मान लें तो यहाँ 21 माइनस यक्स इतना हो जाएगा भुजा। ये क्लियर हुआ, इतना 25 था तो इतना भी 25, जब इतना 25 था और बाकी संख्या बची कितनी है, ये अगर ये इतना 46 था तो 21 बचा था, तो इन्हीं दोनों में बांटना था, तो ये मान लीजिए हमने माना यक्स, तो ये यक्स अरे 21 माइनस यक्स हो जाएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ से आपको यच यहाँ पे था, यच यहाँ पे, तो यच स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब ये तो पहला समीकरण हो गया, अब इसमें यच स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये लंब आधार कर्ण, इसमें यच स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब कि 21 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा, जब ये यच स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो ये भी समीकरण पहला और दूसरा आपस में बराबर होंगे, तब यहाँ से आपको समीकरण बनाना होगा, तब यक्स बराबर निकालेंगे तो 16 आएगा, और जो है ये 21 में से 16 घटाएंगे तब आ जाएगा यहाँ से आपका 5। ठीक, लेकिन हमने जो यूजिंग कॉमन सेंस बताया था आप बहुत आसानी से कुछ सेकंडों में ये क्वेश्चन लगा लिए। मैंने आपको समझाया कि बेसिक भी आप इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बेसिक नहीं, आपको समय बचाना है तो यूजिंग कॉमन सेंस से इस तरह लगा सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।